अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी मशीन लेकर आया हूं कि जिससे आप लोग गंदम, चावल, मकई, बाजरा और चने वगैरह के पफ बनाकर पापड़ बनाकर महाना लाखों रुपए मुनाफा कमा सकते हैं। यकीन करें, ये बिजनेस अभी तक पाकिस्तान में कोई बंदा भी नहीं कर रहा। अगर आप आज इस बिजनेस को शुरू कर लेंगे तो ठीक एक साल बाद आप कहेंगे कि नासिर भाई, आज मैं आपके बिजनेस आइडिया की वजह से लाखपति बन गया हूं। लेकिन इस बिजनेस में एक चीज तलाश करना बहुत ही मुश्किल है, वो चीज मैं इसी वीडियो के किसी भी हिस्से में बताऊंगा। पाकिस्तानियों ने टिल लगा लिया, लेकिन वो चीज अभी तक यहाँ बन नहीं रही। अगर आप वो चीज ढूंढ लें या बना लें तो आप यकीनन वो वाहिद पाकिस्तानी होंगे जो इस बिजनेस को कर रहे होंगे। दोस्तों, प्रोडक्ट बनाना मुश्किल नहीं होता, बल्कि प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल होता है। लेकिन आप इस चीज की टेंशन मत लेना, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि बनने से पहले ही सेल हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चों की आइटम है और जो भी बच्चों के प्रोडक्ट हों वो हाथों हाथ सेल हो जाते हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको मजे से खाते हैं। दोस्तों, अपने इन प्रोडक्ट्स को आप पैकिंग में भी सेल कर सकते हैं और बगैर पैकिंग के भी। इनको सेल करने के लिए आप सेलमैन को दे सकते हैं। सेलमैन को मार्जिन ज्यादा दे तो वो आपके पफ को जल्दी सेल करेगा, क्योंकि इसको आपके माल में से ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है। इसके अलावा आप बड़े बड़े स्टोर पर भी 10 या 20 केजी की पैकिंग बनाकर रखवा सकते हैं। अगर बात करें बिजली की, तो ये सिंगल फेज मशीन है और घर की बिजली पर आसानी चल सकती है। प्रोडक्शन की बात करें तो अगर आप लेबर रखकर इस मशीन पर प्रोडक्शन करते हैं तो एक दिन में 400 किलो तक प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेबर के बगैर प्रोडक्शन करते हैं तो भी आप 200 किलो पफ आसानी बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस मशीन पर कॉर्न पफ बनाने कैसे हैं। दोस्तों, इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप मकई या चावल वगैरह मशीन में डाले, बटन ऑन करें तो मशीन मुतलका चीज को पफ के पके हुए रोल की शक्ल में बाहर निकालेगी, जिसके बाद कटर की मदद से आप पफ को काट कर शेप दे लेंगे। इस कारोबार के लिए सिर्फ 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से 40,000 रुपए की मशीन आ जाएगी, साथ में कटर और डाइयां भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन 40,000 रुपए की ये मशीन चाइना से मिलती है, मसला सिर्फ यही है मशीन यहाँ से मिलती नहीं। लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल बंदे हैं तो आप ये मशीन खुद बनाएं और साथ बनाकर मशीनें भी सेल करें और अपना बिजनेस भी करें। मशीन के बाद रॉ मटेरियल में आपको मकई, चावल या कोई भी चीज जिसके आप पफ बनाना चाहते हैं वो चाहिए होंगे, साथ में फूड कलर, साफ पानी और कुछ मसाला जात की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें भी आपके 40,000 रुपए में आ जाएगी, यानी कुल लागत आपकी होगी 80,000 रुपए। इतना रॉ मटेरियल जो आप खरीद चुके हैं, ये कम अज कम 15 दिन चल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस कारोबार के लिए आपको कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप 2 कमरों पर मुश्तमिल जगह ले लें, एक कमरे में अपनी मशीन लगाएं और दूसरे कमरे में अपना रॉ मटेरियल और तैयार सामान रख लें। इस कारोबार के लिए लेबर के तौर पर आपको 2 मददगार लड़कों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये मशीन अपने घर में लगा रहे हैं तो आपको लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1,00,000 में से अब जो बाकी 20,000 रुपए हैं वो किराए की जगह या लेबर के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही आसान कारोबार है, इस कारोबार को हर कोई कर सकता है। लेकिन अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद नहीं आया तो आपको हमारे चैनल पर और बहुत से बिजनेस आइडियाज के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। अगली वीडियो में एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।